जैसे कि आप लोग देख रहे हैं डे टू डे एक अजीब और तरीन हरकतें हो रहे हैं हिंदुस्तान में। हाल ही में एक हफ्ता 10 दिन पहले एक पुलिस इंस्पेक्टर SI जो कि रोड पे नमाज पढ़ रहे थे वो लोगों को जो सो लातों से मारकर जो सो गिरा देता है। और मैं वहाँ के कमिश्नर की बहुत ही तारीफ करता हूँ कि FIR उसके ऊपर दर्ज करें। खाली FIR ही नहीं, सस्पेंड ही नहीं, बल्कि टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस करना चाहिए ऐसे लोगों की। जो जनसंघ की जो RSS VHP का दिमाग रखते हैं ऐसे लोगों के लिए तो टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस रखना करना चाहिए। और फिर ये हफ्ते का वाकया है अहमदाबाद में हॉस्टल में बच्चे जो सब नमाज पढ़ रहे थे। आपने देखा कि हफ्ते के दिन अहमदाबाद में हॉस्टल में जो फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे वो स्टूडेंट जो नमाज पढ़ रहे थे उनको भी अटैक किया गया। क्या नमाज से इतनी क्या तकलीफ है? ये RSS VHP के गुंडास, एंटी सोशल एलिमेंट्स गुंडास रेडिकल्स, ये लोग जो है सो VHP बैक लोग आए हैं। BJP जो है सो इनको बैक कर रही। BJP बैक करने की वजह से इनके हौसले बढ़ चुके हैं। हौसले बढ़ के जो है सो इंटरनेशनली क्या मैसेज जा रहा, पूरा इंटरनेशनल जो है सो कंडम कर रही, हर कंट्री कंडम कर रही कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ ऐसा बिहेवियर है, उनको नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट रहती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का प्रोटेक्शन एंड एवरी उनकी जिंदगी का हर चीज का प्रोटेक्शन जो है सो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। ऐसे वक्त इस तरीके से अगर इन लोगों का बिहेवियर रहेगा तो व्हाट मैसेज दे आर गिविंग टू द एंटायर वर्ल्ड। इस तरीके की अगर हरकतें होंगी तो गंगा जमुना तहजीब खत्म हो जाएगी। इलेक्शन आ रहा, पोलराइजेशन करना चाहते, क्या बताना चाहते? टोपी पहने तो तकलीफ, शेरवानी पहने तो तकलीफ, नमाज पढ़े तो तकलीफ। हिंदू मुसलमान आजादी में सब बराबर के हिस्सेदार थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़े हुए। क्या खाली हिंदू ही लड़े थे क्या? क्या खाली BHP थी क्या जब? RSS थी क्या जब? मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि BHP और RSS को इमीडिएटली बैन कर देना चाहिए। जब PFI बैन हो सकती तो ये भी बैन हो सकती। जो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज रहेंगी उन लोगों को बैन कर देना चाहिए। क्यों नहीं बैन करते आप? क्यों? तो इसको BJP का बैकअप है, BJP का बैकअप होने से बैन नहीं करते। क्या मैसेज जा रहा वर्ल्ड में? वेरी बैड, बहुत बैड मैसेज जा रहा हिंदुस्तान में। ऐसा हो रहा, पुलिस वाला जैसे लाता मार दे रहा, हॉस्टल में घुस के फॉरेन स्टूडेंट्स को मार दे रहे। क्या करे, क्या गलती है उनकी? जबकि परमिशन लेके पढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटी से परमिशन, हॉस्टल का परमिशन लेके पढ़ रहे थे। कोई गलत गैर कानूनी काम नहीं कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एवरीबडी हैज इक्वल राइट्स टू एंजॉय देयर रिलीजन। हर जना अपना अपना मजहब का एंजॉय कर सकता, देयर इज नोबडी कैन स्टॉप दिस। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि BHP और RSS के गुंडों को टाडा के तहत, UAPA के तहत, सिडिशन एक्ट के तहत बुक किया जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको बैन कर दिया जाए। खुदा हाफिज़।